तैयारी भारत के नवनिर्माण की। एक इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा का केंद्र तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन काउंसलिंग के प्रावधान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर टीएमयू के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की टीम ने नया इनोवेशन किया है जो पर्यावरण को बचाने में मददगार साबित हो रहा है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा इनोवेशन काउंसिल के तहत हम लोगों ने स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिलके पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए एक न्यू स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें प्लास्टिक का यूज ना हो। जैसे हम लोग हर कॉलेज में या किसी गेस्ट को बुके देते हैं, ऐसी स्थिति में हमने एक इनोवेटिव आइडिया यह निकाला कि क्यों ना हम तुलसी का प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा करके और लोगों को सम्मानित करें, इसको दें। नए इनोवेशन के तहत जो है तुलसी जी के पौधे को जो हम हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनको जो है एज ए बुक के तौर पर न दे करके हम उनको तुलसी का पौधा जो है उनको भेंट करते हैं, सपने भेंट करते हैं ताकि उसको जो है हम मेडिसिनल वैल्यू के रूप में इन्वायरमेंट सही हो और इस वजह से हम इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। हम जो बुके देते थे उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ होता था जिसको इस ये अगर रिप्लेस करेगा तो इससे ये होगा कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, दूसरी बात कि ये इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है क्योंकि ये तुलसी का पौधा है, घर पे इसको पूजा भी जाता है और ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन भी और बहुत ही अच्छी हमारे कॉलेज हमारे फैकल्टी और जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी एक अच्छी अप्रोच भी है। इसको हम एज अ मतलब बिजनेस आगे चल के इसका व्यवसाय और इसका बिजनेस भी हम कर सकते हैं। हमारे कॉलेज ने एक नया स्टेप लिया है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्थेटिक वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ को कंजर्व करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं पहले जैसे कि बुके दिया जाता था गेस्ट को अब हम तुलसी प्लांट देते हैं। इसके पीछे कई रीजंस है, पहला कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को के यूज़ को कम करना, दूसरा जो कहा जाता है ईच पर्सन शुड प्लांट अ ट्री, तो उसमें लोगों के पास वक्त नहीं होता है या उनको मौका नहीं मिलता है कि वो जाकर नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए और प्लांट करे, तो जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको ये पौधा देते हैं जिसको वो घर पर रखते हैं और उस प्रोवर्ब को भी पूरा करते हैं ईच पर्सन शुड प्लांट अ ट्री। आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे पर हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नए इनोवेशन को जो कि हमारे फैकल्टी के द्वारा लाया गया उसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो भी इवेंट्स होते थे उसमें बहुत सारे जब गेस्ट आते थे तो उनको हम गिफ्ट जो दिया करते थे, बुके दिया करते थे, तो उसकी जगह हमने हमारे फैकल्टीज ने हमको गाइड करा कि हम क्यों ना तुलसी के प्लांट दिए जाएँ। इससे जो इन्वायरमेंटल वैल्यू है उसकी इम्पोर्टेंस लोगों में बढ़ती है और जो गेस्ट हैं उसको बेहतर तरीके से अपने साथ रखते हैं और आगे भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम और भी इनोवेटिव अप्रोचेस लेकर आएँ और इस स्टेप के लिए हम अपने फैकल्टीज़ का बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के 88वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज कलाम साहब के जन्मदिन को हम इनोवेशन डे के रूप में मना रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों द्वारा इसमें एक इनिशिएशन लिया गया है पिछले करीब 3 महीने से कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के किसी भी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में या किसी भी एक्टिविटी में बुके देना हमने अभी बंद कर दिया है। उसके स्थान पर विद्यार्थियों द्वारा और अध्यापकों द्वारा जो गेस्ट आते हैं उनको तुलसी का प्लांट पॉट के साथ दिया जाता है और इससे बहुत सारे बेनिफिट बच्चों को मिल रहे हैं, एक मैसेज भी जाता है और गेस्ट फैकल्टी आती है, जो स्टाफ आता है या जो हमारे वक्ता आते हैं बाहर से वो उसको सहज कर भी लेकर जाते हैं। उससे जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो हम प्रयोग करते हैं उसको भी स्टॉप किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारे कॉलेजेस में प्रतिबंधित रहे और इसके लिए विद्यार्थियों द्वारा एक अच्छा इनिशिएशन लिया गया है। इस मैसेज के तहत हम कहना चाहते हैं कि जो इनोवेशन सेल हमारे यहाँ स्थापित की गई है उसके 2 फायदे बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। पहला, एक तो ये इनोवेटिव प्रैक्टिस है, मतलब एक नई सोच है और आगे चल के कुछ विद्यार्थी इसमें अपना कैरियर भी डेवलप कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी इसका सहयोग मिलेगा। तो मैं विद्यार्थियों को और अपने छात्रों को, टीचर्स को इस मामले में बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।